हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टेक अ मेजरमेंट। इसमें हम मैट्रिक सिस्टम इन डेसिमल नोटेशन, ओके, डेसिमल में कैसे हम लिखेंगे वो आज हम सीखेंगे। ओके, इतना तो आपके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जब भी आप कोई भी कन्वर्जन करो तो आप पहले ये जरूर लिखना, आपको ये सीरियल ऑर्डर लर्न होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेका, इसके बाद यूनिट, यूनिट आपकी कोई भी हो सकती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर भी हो सकती है, लीटर भी और ग्राम भी। इसलिए मैंने इसमें मीटर में लिखा है और देसी, सेंटी और मिली। ओके, अभी डेका का शॉर्ट फॉर्म है डी ए, ओके, और देसी का शॉर्ट फॉर्म है ओनली डी। तो दो है डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाकी सब के है, एच है, और डेका और देसी दो डी से स्टार्ट होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आप कैसे लिखोगे? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेका इज डी ए एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ देसी इज ओनली डी। ओके, हमने इसीलिए हमने यहाँ लिखा डेका का शॉर्ट फॉर्म है डी ए। ठीक है, अब जब भी आपको कोई कन्वर्जन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल You must write in serial order, है ना? जिस किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ओके, अब आपको बस ये मैंने आपको बताया है कि जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी तो हमने ऐसे लिखा है, इस तरह से आप लिखना कॉपी में, मैंने इसमें लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, या लेफ्ट टू राइट या हायर टू लोअर, तब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। और लोअर से हायर में जाना है तब हमें क्या करना है? डिवाइड। और जितने भी ईच बाय टेन स्टेप मैंने आपको समझाया, अब इसको हमको किसमें लिखना है? डेसिमल नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 264 सेंटीमीटर है और इसको आपको इसमें लिखना है इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या आएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100। अब आप 100 से इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो आपका, अब आपको मैंने शॉर्ट मेथड का डिवाइड सिखाया है। इफ वी डिवाइड बाय 100 देन वंस एंड टेंस टू नंबर्स आर द रिमाइंडर, ओके, एंड रेस्ट आर द क्वेश्चन। तो टू है, क्या बचेगा? 64 तो है, जो जो रिमाइंडर है उसको हम आफ्टर डेसिमल लिखेंगे। ओके, डेसिमल से पहले वाली बड़ी यूनिट होती है और डेसिमल के बाद वाली छोटी यूनिट होती है, और इसको हम लिखेंगे 2.64 मीटर। क्या लिखेंगे? 2.64 मीटर, इट मींस 2 मीटर है और 64 सेंटीमीटर। तो हमने इसको कैसे लिख दिया? डेसिमल में लिखा। ओके, अब नेक्स्ट है 75,402 मीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? 1000। देखिए, मीटर 1000, 1, 2, 3, 10 × 10 × 10, इसको क्या करेंगे? जब आपको सेपरेट करना है, डेसिमल में लिखना है, तो यू शुड ऑलवेज डू द डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड में आपको 3000 से करना है, तो वंस, टेंस और हंड्रेड थ्री डिजिट्स जो होती हैं वो रिमाइंडर होती हैं, और रेस्ट आर द क्वेश्चन। 75.402 किलोमीटर, इट मींस 75 किलोमीटर है और ये मीटर है। जो डेसिमल से पहले का नंबर होता है वो बड़ी यूनिट होती है और आफ्टर डेसिमल छोटी यूनिट होती है। ओके, अब नेक्स्ट है 3.412 किलोमीटर है इनटू किलोमीटर है, मीटर, डेकामीटर एंड मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में तो आपका जो बिफोर डेसिमल है ये तो आपका हो गया किलोमीटर। ओके, क्योंकि
जो डेसिमल से पहले की यूनिट होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो किलोमीटर ये बन गया। अब हेक्टोमीटर क्या हो जाएगा? फोर। वन क्या हो जाएगा? डेका मीटर। और टू क्या हो जाएगा? मीटर। ओके, अगर आप इसको डेसिमल नोटेशन में लिखेंगे तो देखिए थ्री जो बिफोर जो डेसिमल है वो तो आपको ऐसे ही लिखना है, थ्री किलोमीटर, फोर जो है किलोमीटर का हेक्टोमीटर अपॉन टेन, वन नेक्स्ट है वन अपॉन हंड्रेड, और नेक्स्ट है टू अपॉन थाउजेंड। ओके, अब आपको इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? 3.4 आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.4, ओके, प्लस 1.0002, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस होनी चाहिए 100 में और 10 में 1 प्लेस, और 1000 में प्लस 0.002। देखिए ये टेंस, टेंस और हंड्रेड, टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। अगर सपोज आप इसको आप प्लस करते हो, देखिए 0.4, 0.02, 0.01 और 0.02। ओके, देखिए ये नहीं है तो आप यहाँ जीरो लगा भी सकते हो, टू वन है फोर डेसिमल, और अगर आपने पहले सब में थ्री लगा दिया है बिफोर डेसिमल का तो ये 3.4/2 वही सेम आंसर आ गया। तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 4/10 आफ्टर डेसिमल ये टेंथ में, तो ये 1/100 और 2/1000। इसको अगर आप प्लस करोगे इस तरह से डेसिमल में लिख सकते हो, इफ यू ऐड देन द आंसर इज सेम। ओके, क्लियर हुआ? थैंक यू।